हेलो, मेरा नाम है केतन और आप देख रहे हैं ऑल्ट न्यूज। और हम लाए हैं आपके लिए इस हफ्ते के टॉप 5 फैक्ट चेक। बिना लाग लपेट शुरुआत करते हैं पहले फैक्ट चेक से, जो कि जुड़ा है फ्रांस और मेजर सुरेंद्र पूनिया से। मेजर सुरेंद्र पूनिया, जो कि एक वक्त पर स्पेशल फोर्सेस से जुड़े थे, अब भाजपा के साथ हैं। सुरेंद्र पूनिया ने एक ट्वीट किया जिसमें एक तस्वीर थी। कुछ लोगों का एक ग्रुप है जो कि एक प्लेकार्ड लेकर खड़ा हुआ है और उस पर लिखा है रिफ्यूजीज वेलकम। सुरेंद्र पूनिया ने कहा कि इसमें दिख रहा शख्स फ्रांस का वो टीचर है जिसकी हाल ही में हत्या कर दी गई थी, क्योंकि उसने अपनी क्लास में एक कथित विवादास्पद कार्टून दिखा दिया था। क्योंकि उसे मारने वाला 17-18 साल का लड़का मॉस्को से आया हुआ एक प्रवासी था, इसलिए सुरेंद्र पूनिया ने यह बताने की कोशिश की कि वो फ्रांस का टीचर प्रवासियों को वेलकम कर रहा था और उसकी एक प्रवासी ने ही हत्या कर दी। इसके साथ ही सुरेंद्र पूनिया ने देश के उन लिब्रांडुओं को सचेत करने की कोशिश की जो भारत में रोहिंग्या मुसलमानों को बसाना चाहते हैं। अब ये लिब्रांडू कौन होते हैं और इस शब्द की परिभाषा क्या है, ये तो स्पेशल फोर्सेस वेटरन मेजर सुरेंद्र पूनिया जाने। लेकिन हम आपको बता दें कि इस तस्वीर के बारे में किया गया उनका दावा पूरी तरह से गलत है। ये तस्वीर फ्रांस की नहीं बल्कि इंग्लैंड की है। वहां एक जगह है केंट। इस तस्वीर को गौर से देखें तो पीछे एक गाड़ी खड़ी हुई है जिस पर लिखा हुआ है केंट पुलिस। और आप ये भी देखिए कि इस तस्वीर में जो लोग दिख रहे हैं उन्होंने मास्क पहना हुआ है, यानी ये कोरोना काल की तस्वीर है, न कि कुछ साल पहले की। इसके साथ ही प्लेकार्ड के कोने में वुड चांस का लोगो है। ये यूके का एक ग्रुप है जो थिएटर और कला के जरिए आर्टिस्ट को आगे बढ़ाता है। ये ग्रुप उन इलाकों में काम करता है जहां रिफ्यूजीज शरणार्थी ज्यादा होते हैं, ताकि उनके लिए अवसर बनाने में मदद की जा सके। अब जब हमने आगे ढूंढा तो हमें ये तस्वीर गुड चांस के ट्विटर हैंडल पर 17 अक्टूबर को अपलोड की हुई मिली। इसमें लिखा हुआ है कि ये तस्वीर केंट के फोकस्टोन की है। बढ़ते हैं अगले फैक्ट चेक की तरफ। क्या मुंबई में कांग्रेस नेता असलम शेख के साथियों ने दुर्गा पूजा रुकवाई? जवाब है नहीं। ट्विटर पर नीला टिक पा चुकी और 5 लाख के ऊपर फॉलोअर्स वाली शेफाली वैद्या ने एक वीडियो रिट्वीट करके पूछा कि क्या ये वाकई हुआ है। शेफाली जी, इसका जवाब है नहीं। ये वीडियो था एक ग्रुप के बारे में जो कि एक पंडाल में घुसता है और वहां चलने वाले संगीत को रुकवा देता है। आप एक बार ये वीडियो देख लीजिए। मालोनी में रहना है तो असलम भाई कहना है। क्या कहना? क्या जो क्या कहना? असलम भाई कहना हाँ। अरे आश्रम है, यहाँ मोदी जी नहीं आएंगे, यहाँ असलम भाई ही आएंगे। असलम भाई आएंगे तो बात भी नहीं आएंगे, कोई नहीं आएगा। असलम भाई सिर्फ शेफाली ने ही नहीं बल्कि कई और लोगों ने भी इस ट्वीट को रीट्वीट किया। 11 अक्टूबर 2019 को बीबीसी हिंदी ने इस वीडियो की सच्चाई बताते हुए एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक वीडियो में नीली शर्ट पहने हुए दिख रहा व्यक्ति आशीष सिंह है। आशीष की फेसबुक प्रोफाइल के मुताबिक वो किंग्स फिटनेस जिम का मालिक और युवा एकता सामाजिक संस्था का वाइस प्रेसिडेंट है। आशीष से ऑल्ट न्यूज ने बात की। उन्होंने हमें बताया कि ये वीडियो पिछले साल यानी 2019 का है, जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। मलाड विधानसभा से असलम शेख चुनाव लड़ रहे थे और उनका जीतना लगभग तय माना जा रहा था। इसी सब के मद्देनजर आशीष ने अपने साथी रविशंकर दुबे और नदीम शेख के साथ मिलकर चुनाव की पृष्ठभूमि में ये वीडियो मजाक करने के मकसद से बनाया था। उसी वक्त ये वीडियो सांप्रदायिक दावों के साथ शेयर किया जाने लगा और जैसे ही ये हुआ आशीष ने इसकी आधिकारिक शिकायत भी दर्ज करवाई। आशीष ने 10 अक्टूबर 2019 को ट्वीट्स के जरिए पुलिस में की गई वो शिकायत भी शेयर की। और अब बारी फैक्ट चेक नंबर 3 की। अभी तक बिहार में बहार थी, फिलहाल बिहार में चुनाव है और चुनावों में जितना सहज वोटिंग का होना होता है, फेक न्यूज मिस इन्फॉर्मेशन ने भी अब उतनी ही सहजता से अपनी जगह बना ली है। लालटेन के निशान वाली राष्ट्रीय जनता दल ने एक फोटो के जरिए लोगों के स्वाभिमान को निशाना बनाने की कोशिश की। उन्होंने तस्वीर ट्वीट की और बिहार वासियों को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव के वक्त इस दृश्य को भूलना नहीं है। इस तस्वीर में एक पुलिस वाला देखा जा सकता है और उसके सामने कई सारे लोग हैं जिन्हें मुर्गा बनाया गया है। ट्वीट में आरजेडी ने बाकायदे लिखा है कि यह बिहारी भाइयों के साथ हुआ है। एक साहब ने तो बेहद स्पेसिफिक होकर यह तक बता दिया कि लॉकडाउन के दौरान नोएडा के पास यूपी पुलिस ने बिहार के लोगों को मुर्गा बनाया। यह गलत दावा है। हालांकि यह तस्वीर लॉकडाउन की ही है लेकिन इसका बिहार से कोई कनेक्शन नहीं है। यह तस्वीर है कानपुर के चकेरी इलाके की, जहां लॉकडाउन के बावजूद लोग घर से बाहर निकले थे।
ये सारी बातें ऑल्ट न्यूज को पीटीआई के फोटोग्राफर राहुल शुक्ला ने बताई, जिनके साथी ने ये तस्वीर खींची थी। राहुल ने बताया कि इनमें से कोई भी पुलिस के सामने ये साबित करने में सफल नहीं रहा कि वो राशन या दवा लेने बाहर निकला है, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें इस तरह से सजा दी। इस तस्वीर में किसी भी शख्स के पास कोई भी सामान नहीं दिखाई दे रहा है, जबकि अगर कोई प्रवासी मजदूर दिल्ली या नोएडा से बिहार जा रहा होता तो यकीनन वो खाली हाथ नहीं जा रहा होता। बढ़ते हैं अगले फैक्ट चेक की तरफ, फैक्ट चेक नंबर 4। कराची में पाकिस्तान सरकार के विरोध में निकाली गई रैली में भारतीय झंडा लहराया गया। हमें इस तरह के कई दावे सोशल मीडिया पर देखने को मिले। एक तस्वीर शेयर की गई जिसमें भारी भीड़ में एक भारतीय झंडा दिखा। इस दावे को शेयर करने वालों की संख्या काफी ज्यादा थी। ये गलत दावा और ये वायरल हो रही तस्वीर असल में एडिट की गई है। ये बात सच है कि सरकार के विरोध में पाकिस्तान में एक रैली निकाली गई थी। वहां पीडीएम यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जो कि 11 पॉलिटिकल पार्टीज का एक समूह है, इसने सरकार के विरोध में यूनिटी दिखाने के मकसद से यह रैली निकाली थी, मगर यहां भारतीय झंडा नहीं लहराया गया था। यह तस्वीर पाकिस्तान के राजनीतिक दल जमीयत उलेमाए इस्लाम के फेसबुक पेज पर देखी गई। इसी को एडिट कर इसमें भारत का राष्ट्रीय झंडा जोड़ा गया और उसे गलत दावों के साथ शेयर किया गया। और हां, इस तस्वीर को गौर से देखें तो मालूम पड़ेगा कि इसमें कई ऐसे झंडे दिखते हैं जो कि हमारे तिरंगे जैसे रंग वाले हैं। इसकी असलियत यह है कि यह झंडा पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टी पख्तूनख्वा मिली आवामी पार्टी का झंडा है। और अब 5वां और आखिरी फैक्ट चेक। सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जा रहा है जिसमें एक टीचर छात्राओं का शारीरिक शोषण कर रहा है। वीडियो के सेंसिटिव नेचर को देखते हुए और विक्टिम की पहचान छुपाने के लिए हम ये वीडियो आपको यहां नहीं दिखा सकेंगे। एक बार फिर शेफाली वैद्या का नाम यहां आएगा, क्योंकि उन्होंने इस वीडियो को भी रीट्वीट किया था और साथ में कहा कि ये देखना बेहद डरावना है। ये सच है कि वीडियो डरावना है, लेकिन शेफाली जी को यह भी समझना चाहिए था कि रीट्वीट करते हुए वो उस दावे को समर्थन दे रही थी जिसके अनुसार ये एक मदरसे का वीडियो है। ये दावा करने वाले थे गोपाल गोस्वामी, जो कि अपने ट्विटर बायो में खुद को लाइफ टाइम लर्नर ऑफ सनातन कहते हैं। कई लोगों को लगा कि यह घटना भारत की है। कुछ लोग असम की तरह पूरे देश में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन यानी कि NRC लाने की मांग करने लगे। वहीं कई लोगों ने PM नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को टैग करते हुए मदरसों पर बैन लगाने के लिए कहा। एक यूजर ने 2017 की एक घटना की न्यूज क्लिपिंग भी लगाई, जब लखनऊ के एक मदरसे से 52 लड़कियों को रेस्क्यू किया गया था। ये वीडियो असल में बांग्लादेश का है और ये घटना मदरसे की नहीं बल्कि बांग्लादेश के बारिसाल जिले के वजीरपुर में सोनार बांग्ला सेकेंडरी स्कूल की है। वीडियो में दिख रहा शख्स नूरुल हक इस स्कूल का हेडमास्टर था। इस घटना का वीडियो बाहर आने के बाद उसे स्कूल से निकाल दिया गया था। तो ये थे इस हफ्ते के टॉप 5 फैक्ट चेक्स। आप इन फैक्ट चेक्स के अलावा और भी मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में जान सकते हैं ऑल्ट न्यूज की वेबसाइट www.altnews.in पर जाकर। हिंदी में इन फैक्ट चेक्स को पढ़ने के लिए आप जा सकते हैं www.altnews.in/hindi पर। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमसे जुड़कर आप मिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ इस लड़ाई में हमारे साथ ही बन सकते हैं और खबरों, वायरल वीडियोस, तस्वीरों की सच्चाई जल्द से जल्द पा सकते हैं। ऑल्ट न्यूज एक इंडिपेंडेंट फैक्ट चेकिंग ग्रुप है, जो कि विज्ञापनों या स्पॉन्सरशिप से नहीं बल्कि लोगों की सहायता से चलता है। हमारा साथ देने के लिए, हमारी मदद करने के लिए ऑल्ट न्यूज को डोनेट करें www.instamojo.com/altnews पर। मेरा नाम है केतन और आप बने रहिए ऑल्ट न्यूज के साथ।